Bismillahir Rahim. Assalamu alaikum, dear students. I am Tanvir Meo, your teacher. Today we are going to uh, learn about punctuation. Dear students, it is an important topic and that's why it has been included in entry tests. So let's see how we can improve our punctuation. We shall uh, learn about different punctuation marks today. So let's start, dear students. Let's come to the board. यस डर स्टूडेंट्स पंक्चुएशन पंक्चुएशन की इंपॉर्टेंस क्या है इसके लिए जरा इस जुमले को देखें फर्स्ट ऑफ ऑल आई आस्ट अली हैज़ योर ब्रदर कम ही टोल्ड मी माय ब्रदर हैज कम वेयर हैज मदर हैज मदर इज स्टिल इन कराची अब ये जुमला हमें मतलब जुमला तो लग ही नहीं रहा है ये।, ये तो वर्ड्स लिखे हुए पंक्चुएशन मेक्स द वर्ड सेंटेंसेज पंक्चुएशन मार्क्स जो हैं वो जो है रिलेशन क्राइम करते हैं कि सेंटेंस कहाँ पे रुक रहा है दूसरा सेंटेंस कहाँ से शुरू हो रहा है लेट्स पंक्चुएट दिस सेंटेंस नाउ आई आस्ट यू नो डियर स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल दिस आई इज़ ऑलवेज फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन इज ऑलवेज कैपिटलाइज्ड आई आस्ट अली आल प्रॉपर नाउन्र कैपिटलाइज आई आस्ट अली अब जैसे अली हैज या तो हम अली हैज इससे कनेक्ट करेंगे अली हैज देखें अब जरा हैज योर ब्रदर हैज ब्रदर कम अब यहां पे हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे ठीक है अब पहला एक कम से कम एक सेंटेंस तो मीनिंगफुल बन गया आई आस्क्ड अली हैज योर ब्रदर कम

Has come, whereas, अब यहां पे इसको कैसे कनेक्ट करना हमने वेर है अब जरा जुमला देखे अब ये सेंटेंसेस कुछ मीनिंगफुल पंक्चुएशन करने के बाद माई ब्रदर हैज कम वेर हैजेर है इसको कंबाइन किया है सेमिकोलर कॉमे से तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स हमने पंक्चुएशन मार्क्स में कहीं पे कैपिटलाइज कर रहे होते हैं कहीं पे कॉमा कहीं पे इनवर्टेड कॉमा स्टार्ट कर रहे होते हैं ठीक है कहीं पे सेमी कॉलम लगा रहे होते हैं कहीं पे कैपिटलाइज कर रहे होते हैं तो इस तरह से हम अपनी इंग्लिश को खूबसूरत बनाते हैं तो पंक्चुएशन ब्यूटिफाइज इंग्लिश लैंग्वेज सो लेट्स लर्न अबाउट पंक्चुएशन डियर स्टूडेंट्स सबसे पहले हम कैपिटलाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं कि किस किस मौके पर हम कैपिटलाइज करते हैं तो कैपिटलाइज फर्स्ट वर्ड ऑफ अ सेंटेंस के सबसे पहले हम इसको कैपिटलाइज करते हैं جمله का फर्स्ट वर्ड जो है वो हमेशा कैपिटलाइज होगा जैसे कि इस सेंटेंस में हमने किया है आ, इसी तरह से फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन सिंगुलर जो है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन सिंगुलर प्रोनाउन जो है ये इसको हम हमेशा चाहे ये सेंटेंस के स्टार्ट में चाहे इसको कैपिटल करें प्रॉपर नाउंस ब्रांड नेम्स पर्संस प्लेसेस थिंग्स ठीक है इन सब चीजों को हम क्या करते हैं जियोग्राफिकल लोकेशन कंबाइंड कंबाइंड प्रॉपर नाउंस ये भी बास दफा आ जाते हैं ठीक है इसी तरह से नेम्स ऑफ सलेशियल बॉडीज इनके बारे में तो इनकी डिटेल हम दूसरे बोर्ड पे जाके करेंगे यस फर्स्ट वर्ड ऑफ सेंटेंस तो हर सेंटेंस का फर्स्ट वर्ड हम कैपिटलाइज लिखते हैं जैसे कि हमने पहले लिखा है कोई भी सेंटेंस लिखे उसका फर्स्ट फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन ये आई तो जहां पर भी आएगा चाहे सेंटेंस के स्टार्ट में मिडल में इसको हम कैपिटलाइज ही लिखेंगे प्रॉपर नाउन्स ब्रांड नेम्स प्रॉपर नाउन्स में पर्सन हो सकते हैं प्लेसेस थिंग्स हो सकती हैं ये सब कैपिटलाइज होंगे जैसे अहमद टोयोटा बाटा आउटफिटर्स इसी तरह से अनारकली ताजमहल वगैरह वगैरह अच्छा जियोग्राफिकल लोकेशन जियोग्राफिकल लोकेशन को भी कैपिटलाइज करते हैं जैसे मिडल ईस्ट साउथ एशिया साउथ एशिया अफ्रीका कंबाइंड प्रॉपर नाउन्स अच्छा कंबाइंड प्रॉपर नाउन्स ऐसे होते हैं जैसे लेक का नाम भी आ रहा हो सेफल मलूक भी आ रहा हो तो दोनों को कैपिटलाइज करेंगे लेकिन जैसे हम से मलूक लेक लेक को बाद में ले जाएंगे ऑर्डर रिवर्स करेंगे तो फिर हम इसको कैपिटलाइज नहीं करेंगे इसी तरह से देखें सेलेस्टियल बॉडीज जो है मून सन अर्थ मिल्की वे इनको हम कैपिटलाइज करते हैं व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट बॉडीज 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 के बारे में बात कर रहे हो हेवनली तो तो फिर तो हम करते हैं लेकिन अदरवाइज आई लाइक टू लिव ऑन अर्थ वैसे कैपिटलाइज नहीं करेंगे इसी तरह से डेज ऑफ वीक मंथ हॉलीडेज जरा से देखें संडे मार्च हॉलीडेज पाकिस्तान डे अब पाकिस्तान डे एक हॉलीडे है इस लिहाज से हम इसको जैसे वैलेंटाइंस डे तो उसको भी हम मे डे कैपिटलाइज करेंगे बट वी डोंट कैपिटलाइज सीजन समर और स्प्रिंग को हम कैपिटलाइज नहीं करेंगे हिस्टोरिकल इवेंट्स या रेफरेंसेस उनको भी हम कैपिटलाइज करते हैं जैसे वर्ल्ड वॉर वन रेनेसोंस द क्रूसेड्स, रेसेस, नेशनैलिटीज लैंग्वेजेस इनको भी कैपिटलाइज करते हैं मुगल्स पठानस ठीक है आ, पाकिस्तानी पाकिस्तानी अफ्रीकन अमेरिकन इसी तरह से रिलीजन और रिलीजियस टर्म्स को भी हम कैपिटलाइज करते हैं जैसे इस्लाम अल्लाह गॉड क्रिश्चियनिटी सी कैपिटल मुस्लिम जीव न्यूज पेपर्स और जर्नल्स इनको कैपिटलाइज करते वक्त इनके साथ आर्टिकल द को कैपिटलाइज नहीं करना उनका पहला लेटर कैपिटल करेंगे द टाइम्स द हेरल्ड द नेशन द डॉन इसी तरह से हम न्यूज को जी बाकी आ, इसको स्टडी करने के लिए जरा मैं दोबारा इस तरफ जाके इस एक्सप्लेन करता हूं आपको जी रियर स्टूडेंट्स ब्रांड नेम्स मैंने लिखा था टॉप पे हा इसके बाद और पंक्चुएशन की इंपॉर्टेंट नेम्स ऑफ रिलेशनशिप्स व्हेन विद और सब्सटीट्यूटिंग नेम्स

ठीक है हां इसीलिए हमने उनको कैपिटलाइज कर दिया ग्रैंड बा ग्रैंड पा एंड अंकल जमील अच्छा ये जब रिलेशन के साथ नेम भी आ रहा हो तो फिर दोनों को कैपिटलाइज़ करते हैं अंकल जमील जैसे हमने कहा ठीक है लिव विद लेकिन जब ये रिलेशन से पहले पोजेसिव प्रोनाउन लग जाए जरा देखें जरा दिस इज पोजेसिव प्रोनाउन फिर हम इनको हाईलाइट इनको कैपिटलाइज नहीं करेंगे डैड एंड मॉम समझ लगी जी ये नहीं दोबारा समझे सर आप जब नेम्स के रिलेशन विद ठीक है रिलेशनशिप वेन नेम्स है ठीक है तब ये कैपिटलाइज होते हैं और जब इनसे पहले पोजेसिव प्रोनाउन लगा दें तो फिर हम आई एम गोइंग टू विजिट माई अंकल ठीक है तो उसमें हम कोई कैपिटलाइज नहीं करेंगे अब आपको समझ लग गई होगी कि लेटर्स में डियर अंकल डियर फादर को कैपिटलाइज उसमें फादर कैप कैपिटलाइज क्यों करते थे इसी तरह से आ, का हो गया और टाइटल्स आमतौर पर जब हम किसी ऐसे का या किसी भी टॉपिक का हेडिंग लिखते हैं तो उसमें हमारी मिस्टेक्स हो जाती है टाइटल्स लिखते वक्त नंबर वन फर्स्ट वर्ड कैपिटलाइज होगा देखें जरा ये जैसे और तमाम इंपॉर्टेंट वर्ड्स कैपिटलाइज होंगे और लास्ट वर्ड कैपिटलाइज होगा हां जी जरा दोबारा देखें इन कैपिटलाइज्ड फर्स्ट वर्ड वट एवर इट इज जिससे अभी वो लफ्ज़ शुरू हो रहा है उसके फर्स्ट लेटर को कैपिटलाइज करेंगे इंपॉर्टेंट वर्ड जो है उसके फर्स्ट लेटर को कैपिटलाइज करेंगे लास्ट वर्ड को भी कैपिटलाइज करेंगे बट डू नॉट कैपिटलाइज किस चीज को हम कैपिटलाइज नहीं करते प्रेपोजिशन आर्टिकल और कंजंक्शन जरा तो यहां पे देखें ये ऑफ क्या है ठीक है जी ठीक इसको हमने कैपिटलाइज नहीं किया ये क्या है आर्टिकल द कैपिटलाइज नहीं किया और ये कंजंक्शन कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इसको हम भी हम कैपिटलाइज नहीं करते तो इसको बात को याद रखने के लिए Uh, जरा दोबारा देखें देखें फर्स्ट इंपॉर्टेंट और लास्ट आप बनाना चाहें तो इसको आप एक बना सकते हैं फिल फर्स्ट इंपॉर्टेंट एंड लास्ट वर्ड और जिनको नहीं कैपिटलाइज करते उसका हमने बना लिया प्रेपरेशन का पी आर्टिकल ए कंजक्शन का सी पैक जी ये एक छोटा सा निमोनिक आपने याद रखना है पैक पैक Article, conjunctions. इनको हम कैपिटलाइज नहीं करते बाकी हम जो है ब्रांड्स वगैरह को कैपिटलाइज करते हैं अच्छा इसके अलावा वैसे मैं आपको बता रहा हूं कि जो सब्जेक्ट्स होते हैं कोर्सेज होते हैं एज अ टाइटल तो उनको हम हाईलाइट करते हैं ठीक है एज अ टाइटल लेकिन एज नो आई आई लाइक टू स्टडी इंग्लिश केमिस्ट्री बायो लेकिन लैंग्वेजेस को जहां पे भी आएंगी हम उनको कैपिटलाइज करेंगे जैसे कि इंग्लिश उसको कैपिटलाइज करेंगे फ्रेंच तो लैंग्वेजेस भी कैपिटलाइज होते हैं लेकिन नॉर्मली जो कोर्सेज होते हैं वो कैपिटलाइज नहीं होते ठीक है जी जी आ, ये कुछ कैपिटलाइजेशन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो कि हमने डिस्कस की बाकी टॉपिक नेक्स्ट पंक्एशन मार्क को पढ़ने के लिए अगले बोर्ड पे जाते हैं जी डियर स्टूडेंट्स एपोस्ट्रॉफी पहचान ले इसको ये नीचे लगे तो कॉमा ऊपर लगे तो अपोस्ट्रॉफी शक्ल इसकी सेम ही होती है ठीक है ये तो इसके बेसिकली थ्री यूसेजेस है नंबर वन पोजेशन नंबर टू कॉन्ट्रेक्शन और नंबर थ्री प्लूरल्स थ्री फंक्शन है इसके पोजेशन अच्छा पोजेशन में भी हम बस दफा सिंगुलर नाउन को पोजेशन उसको पोजेशन बना रहे होते हैं जैसे मेयर्स कार एक मेयर है तो हम उसकी हम कार है तो हम पर्सन के साथ जो है एपोस्ट्रॉफी लगाते हैं फादर्स एज माय फादर्स एज एक पर्सन है तो एपोस्ट्रॉफी भी लगाएंगे एस भी लगाएंगे ठीक है हाँ अब ऐसे अल्फाज जो के एस पे खत्म हो रहे होते हैं चार्ल्स कार कहें या चार्ल्स चार्ल्स कार कहें या चार्ल्स कार इसके लिए डियर स्टूडेंट्स याद रखें कि जो पॉलीसिलेबिक वर्ड है पॉलीसिलेबिक पॉलीसिलेबिक से मुराद है जिनको हम प्रोनाउंस करें तो जरा लंबे हो रहे हैं उनके साथ हमें ये एस लगाने की जरूरत नहीं है और जो वन सिलेबल वर्ड है उनके साथ हम यहाँ पे एस भी लगाएंगे और ऊपर स्ट्रॉफी भी लगाएंगे ठीक है जी समय लग गया एस वालों को कैसे करना है अब एस वाले में हमारे पास एक और वराइटी है प्लूरल्स प्लूरल नाउन्स को हम किस तरह से आ, उनके साथ हम एपोस्ट्रॉफी को इस्तेमाल करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल वो उन्हें देलाइज करते हैं जो भी तरीका है ये देखें जैसे बॉयज कॉलेज अब जब प्लोलाइज हो गया एस लग गया सिर्फ अपोस्ट्रॉफी लगाएंगे अब हम यहां पे मजीद एस नहीं लगाएंगे ठीक है हम ये नहीं लिखेंगे बॉयज कॉलेज ठीक है ये तो नॉर्मल एस वाले प्लूरल के साथ हम करेंगे लेकिन जो ऐसे इनरेगुलर सिंगुलर्स हैं जैसे मैन से वूमेन चिल्ड्रन इनका जब हम पोस्ट्रॉफी लगाएंगे ज्यादा बच्चों का तो फिर हम पहले प्लूरल बना लेंगे और बाद में हम एस लगा के चिल्ड्रन हॉस्पिटल दोनों में डिफरेंस देखें जरा इसमें हमने बॉयज कॉलेज एस नहीं लगाया यहां पे भी प्लूरल है इरेगुलर है लेकिन यहाँ पे हमने चिल्ड्रन चिल्ड्रन हॉस्पिटल लिखा है जी समझ लग गई किस तरह से प्लूरल वर्ड्स का हमने पोस्ट्रॉफी का इस्तेमाल करता है Uh, लेकिन बाज दफा हम इसमें द रोर ऑफ इन एनिमेट थिंग्स गैर जानदार चीजों के लिए हम ऑफ इस्तेमाल करते हैं पोजेशन के लिए ठीक है पर्सन के लिए पोस्ट्रॉफी यूज कर सकते हैं इन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स के लिए हम पोजेशन के लिए ऑफ यूज कर देंगे द रोर ऑफ द क्राउड यहां पे हमने ऑफ यूज किया है अच्छा लेकिन इसी तरह से बास टाइम के जो रेफरेंसेस हैं उनके साथ भी हम एपोस्ट्रोफी यूज करते हैं अ इयर्स सैलरी और पर्सोनिफिकेशंस के लिए माय हार्ट्स डिजायर वहां पे भी हम एपोस्ट्रोफी यूज करते हैं और एस भी लगाते हैं ठीक है उनके साथ हम एपोस्ट्रोफी लगा सकते हैं यहां पे भी हमें एपोस्ट्रोफी लगा सकते हैं ये पता चल गया कि सिंगुलर और प्लुरल नाउन्स के साथ हमने किस तरह से पॉस्ट्रॉफी को इस्तेमाल करना जी डी एर स्टूडेंट्स नेक्स्ट कॉन्ट्रेक्शन लफज को साउंड की बेहतरी के लिए उसको कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं उसको छोटा कर देते हैं जैसे आई एम को आई एम तो जिस लफज को ये देखें जरा यहां से हमने ए नहीं लिखा जिस लफज को उमिट किया जाता है उसके बिल्कुल एन ऊपर अप्रॉफी लगा दिया जाता है लेट अस में हमने देखें जरा यूएस का यू को उमिट किया है ठीक है तो हमने लेट लेट्स गो तो इस तरह से इसको यूज करते हैं आई हैव में ये देखें जिसको हमने एप, आ, उमिट किया वहां पे एपोस्ट्रॉफी यूज करते हैं दे कुड नॉट को दे कुडंट तो कॉन्ट्रेक्शन अच्छा इट इज अ पेन ये जरा इंटरेस्टिंग है अब ये हम इसको जब हम इट इज हमारी मुराद हो तो हम इसको इस अंदाज से लिखते हैं ये नहीं लगना ये जो इट्स है ये पोजेशन है तीसरा तो इस्तेमाल इसका, इसका एपोस्ट्रॉफी का है प्लूरल बनाने के लिए किन चीज को प्लूरल बनाने के लिए मसलन हम डिजिट्स को प्लूरल बना रहे हैं लेटर्स को प्लूरल बना रहे हैं तो फिर हम जो है फाइव सिक्स ठीक है ही हिट फाइव सिक्स तो डिजिट्स और लेटर्स ठीक है ही गॉट फोर फोर एज तब हम इसको अपोस्ट्रॉफी को यूज करते हैं ओमिशन के लिए ओमिशन होता है कि हमने कोई डिजिट ओमिट किया है जैसे नाइनटीन नाइनटी हमने लिखना था तो ये शो कर रहा है कि देर इज एन ओमिशन इसी तरह से जब हम टाइम की हम कलेक्टिवली यूज करते हैं जैसे 90s 60s एपोस्ट्रोफी इस्तेमाल नहीं करते द 90s 60s 50s यह एक नहीं बल्कि 10 मतलब एक डेकेड की बात हो रही होती है यहाँ पे बेस्ट्रोफी यूज नहीं करते जी डियर स्टूडेंट्स एपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल आपको समझ लग गया आई टॉपिक्स से रिलेटेड कुछ मजीद चीजें हम अगले बोर्ड पे देखते हैं डियर स्टूडेंट्स कन्वेंशन ऑफ स्पेलिंग स्पेलिंग भी एंटीटेस्ट में आ सकती है सबसे पहले आपको इंप्रूव करना चाहिए तो कुछ मेन मेन बातें आपको बता रहा हूं मैं इस हवाले से आई बिफोर ई बड़ा फेमस रोल है आई बिफोर ई कब आई e से पहले आना है जरा देखें अचीव बिलीव हाइजिन थी चीफ प्रीस्ट ठीक है इन वर्ड्स में i before e except c लो जी मैं पूरा कर देता हूं except c i before e except c c में फिर ये हम e पहले ले आएंगे i before e except c ceiling c e i हो जाएगा conceive c e i हो जाएगा perceive c में e i हो जाएगा receipt रिसीव तौर पे हम मतलब के लेटर में आई रिसीव योर लेटर ये हमारे रिसीव के स्पेलिंग गलत हो जाते हैं आई पहले लगा देते हैं याद होगा आपको जी पहला रूल याद हो गया अच्छा इसमें कुछ फर्दर इसकी डिटेल भी है फर्दर एक्सेप्शन भी है ऐसा जब राइम है की आवाज़ हो ने, वे तो फिर भी ई पहले आता है चेक करें जरा नेबर वेट वेन वे जब ये कैसी राइम कैसी साउंड दे रहा हूं हे की आवाज हे ने वेट, तब भी पहले आता है अब यहां पे कुछ एक्सेप्शन हैं जो कि इस हे वाले प्रोनाउंसिएशन को इस राइम स्कीम को नहीं मानता जैसे ईदर नीदर फॉरन लेजर इनो में भी ई पहले आ गया आई बाद में आता है जी अब जरा ई और आई को संभाल लिया आपने जरा दोबारा देखें I before E except C. ये हमने यहाँ तक C वाला रूल ये फिर हमने इसकी राइम स्कीम के तहत ऐसे वर्ड जो है उनके बारे में पढ़ा है अब ये हमने कुछ एक्सेप्शन भी पढ़ी हैं जो कि हमें आ सकती हैं. इसके बाद जी नेक्स्ट स्पेलिंग में Y चेंजेस टू I. कब चेंज करते हैं ये देखें जरा सप्लाई जब हमने इस तरह का उसके साथ कोई एडिशन करना हो एंडिंग एड करनी हो तो हम वाई को किस में चेंज करते हैं वाई को पहले आई में चेंज करते हैं और फिर हम उसका प्लूरल बनाते हैं जरा देखें मैरी से मैरियर ऐसे एंडिंग करना जो कि खुद वॉवल से स्टार्ट हो रही है जरा ये चेक करें वॉवल से स्टार्ट हो रही हो सप्लाइज तो फिर हम वाई को पहले आई में चेंज करते हैं फिर आगे वॉवल लगाते हैं अच्छा जैसे ये देखें क्राई क्राइंक स्टडी स्टडिंग लेकिन इसमें जो है यहां पर हम ये इस रूल को अप्लाई नहीं करेंगे क्राई क्राइंग यहां पर आई एन जी पूरे तौर पर लगेगा ठीक है हाँ लेकिन अगर वाय से पहले जो है वॉवल है इस लफज को और इसको जरा कंट्रास्ट करें वाई से पहले वॉवल आ गया है तो फिर हम फिर भी हम वाई को चेंज नहीं करते उबे से, 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 से ये पता चल गया आगे साइलेंट ई ई को कब साइलेंट करते हैं कब ड्रॉप किया जाता है साइलेंट ई ड्रॉप कब जब कॉन्सोनेंट से शुरू होगा ठीक है कैप्ट तो ये इस ई को ड्रॉप नहीं करते इट इज कैप्ट एडवांसमेंट ये कॉन्सोनेंट है लाइक नेस नेस भी कॉन्सोनेंट स्टार्ट हो रही है इस तो इसको हम मेंटेन रखते हैं ड्रॉप नहीं करते लेकिन अगर ई से पहले फिर कोई वॉवल आ रहा हो जैसे ये देखें आर्ग्यू आर्ग्यूमेंट तो फिर इसको ड्रॉप कर देते हैं ठीक है जैसे आर्गो आर्गुमेंट अब यहां पे भी हमने मेंट लगाया डिफरेंस समझ ले यहां पे भी मेंट लगाया है यहां पे हमने इसको मेंटेन किया है यहां पे भी आर्गुमेंट ऐड कर रहे हैं लेकिन यहां पे ड्रॉप किया है क्योंकि इस ई से पहले एक और वॉवल मौजूद है इस वजह से इसलिए हम जब ट्रूली लिखते हैं तो ट्रूली का भी हम इसलिए इस ई को ड्रॉप करते हैं कि एक और वॉबल पहले से मौजूद है जी पता चल गया आज ये ट्रूली भी किस तरह से हमारा गलत होता था लेटर लिखते वक्त जी ई के हवाले से समझ लग गया कब इसको रखना है कब हटाना है ठीक है कब इसको बरकरार रखना है ये एक्सेप्शन है ये जो ये स्पेशल रूल है एक्सेप्शन वाला इसका जहन में रखना है इसके बाद प्रीफिक्सिस ऐड करते वक्त हाउ टू ऐड प्रिफिक्सिस जब हम प्रिफिक्सिस ऐड करते हैं तो क्या होता है कि नो चेंज इन स्पेलिंग किसी भी प्रीफिक्स को ऐड करने से पहले हम उसके स्पेलिंग को चेंज नहीं करते एज इट इज इसको एडजस्ट कर देते हैं जैसे स्पेल्ड से पहले हमने मिस स्पेल्ड कोई चेंज नहीं की नेसेसरी से पहले अननेसे नो चेंज इंटरेस्टेड डिसइंटरेस्टेड डिस कब लगाना है अन कब लगाना है ये भी बाद में जेहन में रखना है जैसे अन इंटरेस्टेड भी लगाया जा सकता है इसमें अच्छा इसके बाद ऐसे जो पे एंड हो रहे हो उनको हम क्या करते हैं अब ऐसे अल्फाज जो देखें एडमिट इनके साथ हमने जब आगे फर्दर इसमें इजाफा करना है कोई ईडी आई एन जी लगाना है तो ऐसे वर्ड्स जिन पे हम जो है इसको स्ट्रेस कर रहे एक्सेंटेड वर्ड्स होते हैं उनको डबल कर दिया जाता है एडमिटेड एडमिटिंग स्ट्रेस पे दी जाती है उनको डबल किया जाता है लेकिन जिनको स्ट्रेस जो वर्ड ना हो एंडिंग वर्ड जो है वहां पे हम सिर्फ इसको सिंगुलर रखेंगे डिस्पेयर लेकिन इसको देखें एडमिटेड एडमिटिंग जी ये भी समझ लग गया आपको कि किस तरह से इसको हमने देखना होता है ठीक है कब हमने इस आखिरी लफज को डबल करना है जब ये कॉन्सोनेंट हो और एक्सेंटेड हो और एक्सेंटेड नहीं है मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं है तो फिर इसको डबल करने की जरूरत नहीं है जी डियर स्टूडेंट्स तो ये हमने कुछ आज स्पेलिंग रूल्स भी पढ़े कुछ पंक्चुएशन मार्क्स भी पढ़े ठीक है वजीद इसका जो है आपके टेस्ट में इसके इसकी डिस्कशन होगी और फर्दर हम इसको पढ़ेंगे अल्लाह हाफिज़